हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में लेकर आया हूँ नया प्रोजेक्ट और मैटिक चेन पर है, डेली मैटिक उसका नाम है। और सीधा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आपको प्रोजेक्ट की तरफ ले जाता हूँ। और ये देख सकते हैं आप, डेली मैटिक डॉट आईओ के नाम से वेबसाइट है। उससे पहले एक सबसे ज़रूरी वार्निंग जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि भाई देखो, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होती हैं और नहीं पता कि ये कितने दिन चलेंगी या फिर इतना रिटर्न आपको सस्टेनेबली मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बहुत मतलब बहुत मुश्किल से, अब मान लिया 8% ये मैट्रिक डेली मैट्रिक से आपको मिल रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर में आपको मिलता ही रहेगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है और मैं क्या आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इस टाइप की जो डेली आरओआई जिसमें 6%, 5%, 4% आपको डेली मिल रही है, उसमें आप ऐसे इनिशियली इन्वेस्टमेंट उतनी करो जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करने के लिए। और उसको सबसे पहले जो आपने इनिशियल इन्वेस्ट कर दिया है उसमें, वो निकाल लो सबसे पहले। मान लो अगर 8-30 दिन में आपको इसमें 240% रिटर्न मिल जाएगा, तो आप डेली इसमें विड्रॉल कर सकते हो दिन में एक बार। तो आपको क्या करना है, अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालनी, उसके बाद आगे इन्वेस्ट करना है जो भी आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना जो प्रॉफिट आपका मिला उस पर आप प्ले कर सकते हो। तो ये मेरी सलाह रहेगी और ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट होते हैं और सब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं अपने चैनल पर इसलिए बताता हूँ कि हम सब लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, मगर इसमें कोई ऐसी अमाउंट ना डाले जिसकी किसी की पर्सनल लाइफ पर इम्पैक्ट पड़े। आप सीधा करते हैं प्रोजेक्ट को शुरू। डेली मैटिक डॉट आईओ के नाम से है ये और फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो मैटिक चेन पर मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको डेली 8% मिलेगा 30 डेज के लिए एंड 21% ऑप्शनल री इन्वेस्टमेंट एवरी डे, यानी कि जो भी आप लोगों को 8% मिलेगा उसमें से 21% आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो और डेली आप एक ही बार विड्रॉल कर सकते हो और एक ही बार डिपॉजिट आपको कर सकते हो, या री इन्वेस्ट जिसे कहते हैं हम कर सकते हो। और यहाँ पर ऑडिट इनका अवेलेबल है, ऑडिट मैं अभी दिखा दूंगा आपको। और मैटिक चेन पर होगा ये, मिनिमम जो रहेगी यहाँ पर 0.05 से लेके आप कितनी भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। मान लीजिए 100 मैटिक आपने डाले मिनिमम, इतना तो हम लोग लगा ही देते हैं, तो आपको 8% यहाँ पर मिलेगा 189 और 50% 50 मैटिक यहाँ से मिल जाएगा, तो टोटल आपका तो करीब 240% के आसपास मंथली रिटर्न हो जाएगा अगर आप री इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको। वो ऑप्शनल है, अगर 8% ही रहेंगे तो आपको 189 यहाँ पर मिल जाएगा टोटल। तो इस तरीके से रहेगी ये। और रेफरल की भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कुछ कुछ रेफरल भी हैं, रेफरल इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेफरल के लेवल हैं 0, 1, 2 से 5 तक। और यहाँ पर आप लोग आके देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टेड, ये जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर बता रहा हूँ, तो 4,13,000 है टोटल विड्रॉल इतना हो चुका है। और टोटल री इन्वेस्टेड आप देख सकते हैं 2,44,000 और कॉन्ट्रैक्ट करंट बैलेंस 0 है अभी इस टाइम पे। तो अब आप नीचे आके इनको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वगैरह वो यहाँ पर है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप गलत जगह ना पहुँच जाएं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ऑडिट की पूरी डिटेल है ये मैं आपको दूंगा यहाँ पर, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बोल रहा है कि ये जो ऑडिट है ये इनके कोड वगैरह को सब कुछ चेक कर लिया है कि इस तरीके से वनरेबिलिटीज़ हैं और इसमें बैकडोर एरर्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें चेक कर ली गई हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ कंक्लूजन देख लो, यहाँ पर नो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, नो बैकडोर, नो स्पैम स्क्रिप्ट और वगैरह वगैरह ये सब कुछ हैं। और यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ओनर फीस देख लेते हैं सबसे पहले। इन्वेस्ट करोगे अगर इन्वेस्टमेंट पे है 10% और री इन्वेस्ट जब करोगे तो आप 6%। इसके बाद आपका जो इनका इन्वेस्टमेंट प्लान है वो किस तरीके से चलेगा, द डेली इंटरेस्ट रेट इज 8%। 8% आपको मिलेगा 30 डेज में, टोटल रिटर्न आ जाएगा 240%, ठीक है जी। और मिनिमम डिपॉजिट 0.05 मैटिक है, 1 मैटिक करीब $1 के आसपास चल रहा होगा। द मिनिमम विड्रॉल अमाउंट इज 0.02 मैटिक आप डेली विड्रॉल कर सकते हैं कम से कम। यूज़र कैन विड्रॉ और इन्वेस्ट ओनली वंस इन अ डे, तो आपको डेली सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। और आप जब मतलब एक भी बार जब विड्रॉल लाएंगे तो 25% ऑफ द डिविडेंड विल बी री इन्वेस्टेड ऑटोमेटिकली एंड 75% विल बी सेंड टू द यूज़र, यानी जब भी आप विड्रॉल करेंगे उसमें 25% जो है दोबारा री इन्वेस्ट हो जाएगा और 75% आपको सेंड हो जाएगा। और ये अच्छा है, वो जब री इन्वेस्ट होगा तो आपकी और वर्थ बढ़ती चली जाएगी ओवर द टाइम। 21% होल्ड री इन्वेस्ट बोनस, यानी यूज़र विल रिसीव अ 21% डेली बोनस ऑन होल्डिंग डिविडेंड और मैक्सिमम होल्ड बोनस इज 21, मतलब इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। यूज़र कैन ट्राई टू यूज़ होल्ड री इन्वेस्ट बोनस डायरेक्टली और इट विल बी अप्लाइड इन विड्रॉल टू, तो आप विड्रॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप उसको अपने जो बोनस आपको मिल रहा है और डिविडेंड जो मिल रहा है उसको होल्ड करेंगे तो आप उस पर भी रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर रेफरल सिस्टम देख सकते हैं आप, लेवल 1, लेवल 2 से लेके लेवल 5 तक है। और द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड 10.5% रेफरल कमीशन ओवर 5 लेवल्स,
तो ये सारी कमीशन है लेवल वन पे 5% 3% उसके हिसाब से कम नीचे हो जाएगा। और बस ये था मतलब रेफरल से रिलेटेड सारी चीज़ें और किस तरीके से डिपॉजिट विड्रॉल है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी बहुत ही इनिशियल लेवल पे है ये प्रोजेक्ट, अभी आप ट्विटर पे आके देखेंगे तो 444 फॉलोअर्स हैं और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं ट्रांजेक्शन दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली हो रही है 40 मिनट पहले 41 47 50 तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हो रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आके मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से आप डिपॉजिट यहाँ पर कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो डिपॉजिट करने के लिए अभी पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद यहाँ पे मुझे रिफ़्रेश भी मैंने कर लिया वैसे तो, वरना मैं अभी आपको 10-20 मैटिक या 50 मैटिक डाल के यहाँ पर दिखा देता। वो जब आप यहाँ पे इस तरीके से वॉलेट कनेक्ट करेंगे यहाँ पर अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इन्वेस्ट पे क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा जो कि अभी अवेलेबल नहीं हो रहा, पता नहीं साइड में कोई एरर है तो उस तरीके से ये हो नहीं पा रहा। तो ये आप एक बार देख लेना यहाँ पर जो भी डालोगे आप, मिनिमम देखो मिनिमम मैंने बता दिया कि कितना आप कम से कम 0.05 से लेके आप कर सकते हो, डेली उसको विड्रॉल भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें बता दी, कुछ अगर चीज़ रह गई हो जो आपको समझ ना आई हो या मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी और प्रोजेक्ट के साथ लेकर। मैंने आपको ऑलरेडी वार्निंग दे दी है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं तो आप अकॉर्डिंगली इसमें इन्वेस्ट करें, और बाकी मेरा इनके साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट की रिसर्च करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ नए नए प्रोजेक्ट्स जो पैसिव इनकम जिनसे हम जनरेट कर सकते हैं, ये भी उसी में से एक है और स्पेशली मैटिक पे था तो मैंने कहा क्यों ना इसका रिव्यू करा जाए। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाकी मुझे इसमें जो जो चीज़ें मिली वो मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर ली। नीचे कॉमेंट करके पूछ लेना, कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। गुड बाय।